भाग के जाने
युद्ध करने आए थी मेरे हाथ परेड बूट चंगी करा के भज गए। हूं जाके फिर तो भगवान राम दे कोल जाके कहणगे तुसीं चंगा मेरा साथ निभाया, उन्हें मैनू कुट कुट के दूर भगाया। बहुत ही सुंदर सीन है जी। काके ओए इन्हों
खड़े करो, चलो घरे जाके फोन भज। बहुत ही सुंदर सीन श्री रामला धार्मिक कला केंद्र वालों तुहानू दिखाए जा रहे हैं। बड़े सूझवीन साढ़े डायरैक्टर जिन्होंने इन्हों तैयार किया। Yeah।
पल को जब घुटना मेरा तोड़ दिया पाएंगे बहुत अपने आप को भाग्य बताया। अब मैं भाई बाली के सामने
ना किस तरीके मैं अपनी जान बचाऊंगा प्रभु। हे मित्र, तुम दोनों भाइयों की सूरत एक समान थी, इसलिए अगर मैं तीर चलाता और वह गलती से तुम्हें ही लग जाता तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, क्योंकि मित्र घात के लिए इस दुनिया में कोई प्राश्चित नहीं है। लीजिए इस माला को अपनी गले में पहन लीजिए और दोबारा जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। इस दफा मैं उस दुष्ट का वध अवश्य कर दूंगा। अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूं। तो दोबारा बाली का स्वीकार करने के लिए प्रभु, मगर इस दंत का मैं क्या करूं? प्रभु आपके छूटे ही मुझे फिर से चाहता गई है। अब मैं जाता हूँ भाई वाली का झूठ करने के लिए। बोलिए श्री राम जी, रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान जी द्वारा बाग उजाड़ा जाएगा, सारे फल फ्रूट हनुमान जी ने डैश डैश कर देने हैं। जिन्ना भी फ्रूट इस बाग के बीच आया है वो सारे का सारा अश्विनी कुमार जी मसून सपुत्र श्री राजकुमार जी कालू पाकमान शासन सन उस परिवार ने जी सेवा की है। फरूट उन्होंने दिता है, अभी तह दिल तो उन्हों का संस्था वालों शुक्रिया अदा करते हाँ। अश्विनी कुमार जी मसून सपुत्र श्री राजकुमार जी कालू पाकमल शासन सन उस परिवार वालों ये फरूट की सेवा की गई है। मैं श्री रामा धर्म कला केंद्र वालों उन्हों का बहुत ही धन्यवाद करता हाँ। अगला सीन तैयार है जी। सुखरीव जी महाराज फिर अपने भरा दे नाल युद्ध करन दे लई जान गए। जाते जाते प्रभु नूं कह के देखियो इस वेले मरवाना जी हो मैनू, मैं तुहाडे कहिण ते फिर जा रहा। हुण अगे देखो सुखरीव दे नाल की हुंदा है। बहुत ही सुंदर झाकी श्री रामा धार्मिक कला केंद्र के इन बच्चों ने इन्होंने डॉक्टर साहबान ने तैयार करवाई है। प्रमोद जी शर्मा संदीप जी बंसल वालों डायरेक्शन देकर इन बच्चों तैयार किया गया है। काके रस्ता छोड़ दो बेटा, बड़े बड़े हो जाओ, बड़े बड़े हो जाओ थोड़े जे। सोच समझ लीजिए।
रामनाथ सगरीब द्वारा लड़ाई के लिए आया है, इसलिए जरूर किसी तपस्वी ने उसे अवतार देने का यकीन दिलाया। स्वामी जी अभिमान ना कीजिए, मुझे अंगद की जुबानी पता लगा है कि महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ने सगरीब को हनुमान से मित्रता की है, इसलिए परमेश्वर के वास्ते इस जिद को छोड़ दीजिए और मुझे सारी उम्र के लिए विराम ना कीजिए। मैं तेरे कहने से अपनी जुबान को बट्टा नहीं लगा सकता। मान जो स्वामी जी दिया हुआ वक्त हाथ नहीं आता। स्वामी मैंने तुम्हें बहुत समझाया मगर आप काल के वश में थे, इसलिए आपने कुछ ध्यान ना दिया। हे मेरी किस्मत फूट गई। देवी पृथ्वी जल अग्नि और आकाश से बना हुआ ये शरीर जो तुम्हारे सामने है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती, वह अजर और अमर है, तो फिर तुम किस लिए रोती हो? हे प्रभु मुझे अपनी मर्जी दीजिए। तथास्तु। सुग्रीव जी आप बालिका दाह संस्कार करना चाहिए। तुसी देखे बहुत ही सुंदर सीन,
ताड़ी जरूर मार दिया करो। कलाकार ने 3 महीने पहला मेहनत बहुत की है, इस मुकाम से पहुंचे है कि तुम कुछ करके दिखा सकन। जिन्या भी मेरिया बीबिया भैन पिछे खड़िया इधरले पास सीटा बहुत है, कुर्सियां खाली है, कृपा करके इतने बैठ जाओ, लीला का आनंद मानो, अपने जीवन को सफल बनाओ। बहुत ही सुंदर सुंदर सीन तुहानू दिखाए जा रहे ने श्री रामा धार्मिक कला केंद्र के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा। बाग उजाड़िया जाएगा, सारे बाग को तहस नहस किया जाएगा हनुमान जी द्वारा। तुहानू भी कोई फल फ्रूट खुआए जाएंगे, पर शोर नहीं करना, आराम के नाल बैठ के सारा कुछ देखना है। बहुत ही सुंदर सरल भाषा के विच प्रभु राम की लीला विच जो गीत गाए जा रहे ने, अमित जी बैणी के मुखारबन तो भारत भूषण उन्होंने साथ देते हैं। तबले से मेचा जी, हरमन से उमा जी, यू लाइक साउंड लाइट, इन्होंने भी बहुत धन्यवादी हाँ जेड़े हर साल इतने फ्री सेवा करते हैं। तह दिल तो शुक्रिया अदा करते हाँ। सागर लंघ के हनुमान जी लंका जाएंगे, बहुत ही सुंदर सीन है। निश्चित होना आवश्यक है। भगवान जिसे आप तकलीफ कर रहे हैं वह मेरे लिए सुखदायक है, मैं भी जाता हूँ और माता जी की तलाश कराता हूँ भगवान, परंतु माता जी ने मुझे आज तक नहीं देखा। इत्मीनान के लिए मुझे कोई खास परेशानी दे सकते। बहुत अच्छा हनुमान जी, आप ये अंगूठी ले लीजिए और उनसे भी कोई निशानी अवश्य ले आना। मेरा उन्हें हाल चाल भी बताना और ये विश्वास भी दिलाना कि रामचंद्र जल्द ही तुम्हें लंका से रिहा कराने के लिए आएंगे। अच्छा प्रभु, तो मुझे आगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी माता सीता की खोज करन दे लई चल पे ने, बहुत ही सुंदर सीन, किस तरह वह माता सीता जी को पहुंचे ने देखने वाला सीन है। किस तरह लंका नू सारी हरी भरी लंका नू अग लगा देंगे। रावण का बहुत ही खूबसूरत जिहड़ा बाग है उन्हों तहश नहश कर देंगे, उजाड़ देंगे, उदा एक एक बूटा उखाड़ देंगे, सारे फल वो जड़े है वह तहश नहश कर देंगे, कुछ खा लेंगे कुछ तहश नहश कर देंगे। बहुत ही सुंदर सी माता सीता जी की खोज के विच हनुमान जी जा रहे ने। कहने बड़ा वड्डा एक सागर हुंदा है उन्हों भी पार करते हैं, बहुत ही सुंदर सीन।
तुहानू दिखाने जा रहे ने श्री रामा धारमा कला केंद्र रजिस्टर फरीदकोट के इन्होंने मुंडे बच्चे अज जी बाल उजाड़न की रस्म है जो फ्रूट आया वो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग अश्विनी कुमार जी मासूम सपुत्र श्री राज कुमार जी कालू फार्मर स्टाफ एंड फ्रेंड फरीदकोट उन्होंने वालों अज फ्रूट की सेवा की जा रही है। पहला भी वो जिन्हें दिन भी बच्चों ने लीला की है उसने दुध की सेवा कर रहे हैं बच्चों उन्होंने वालों दुध हर रोज पिया जा रहा है कोई कमी नहीं आती जिन्ना किसी ने पीना है खुला दिल खुले दिल के नो जरा प्रसाद रूपी दुध है वो सारे के वितरण किया जाता है। बहुत ही सुंदर सुंदर झाकिया के नाल सुशोभित तुहानू पिछले अठ दिन तो लीला विखा रहे हाँ। मंगलवार को दशहरे वाले दिन बहुत ही सुंदर सुंदर झाकिया के नाल सुशोभित शोभा यात्रा रामलीला ग्राउंड किला चौक तो कटी जाएगी जो कि बाजारा में होंगी हुई स्टेडियम विखे पहुंचेगी जिथे मेघनाथ कुंभकरण के रावण के पुतलिया अग्नि दिखाई जाएगी। रामलीला ग्राउंड तो ये शोभा यात्रा कटी जाएगी ठीक 3 बजे शोभा यात्रा आरंभ करांगे 5 तो 5:15 बजे तक स्टेडियम पहुंच के तिने बुतों एक कलाकार राम लक्ष्मण अग्नि देंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य स्टेडियम के वेखन वाले होंगे। फरीदकोट दशहरा कमेटी फरीदकोट वालों ये सारा आयोजन दशहरे का स्टेडियम विखे किया गया है। श्री रामा धारमा कला केंद्र ने शोभा यात्रा लेके जानी है ठीक 3 बजे शोभा यात्रा रामलीला ग्राउंड किला चौक तो शुरू होगी। सारों बेनती करते हाँ कि हम आके शोभा यात्रा पहुंचो शोभा बधाओ प्रभु राम लक्ष्मण हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय श्री राम जय श्री राम। ओए काके ओए काके अश्रूगण सानू इधर मार दियो आपस ही लड़ी जाते खाते दूसरे स्वरूप ना की यार छत्ती प्रकार के जो भोजन भगवान 25 तरीक लगाए जाने हैं उन्होंने विस्तार साहब तू हरिजन जी अरोड़ा दसणगे सीन तैयार हो गया जी। सीता माता देखो त्रिजटा बैठी समझा रही है देखो बहुत ही सोहना सीन तुम दिखा जा रहे ने अगे आ जाओ जी बेटे इन्हों भाव जरा नाल आते अक्सर लेट कमर है ये राशि शुरू हुई नाम
सीटी, मुझे विश्वास है कि तुम्हें सोच विचार कर अच्छी तरह से कोई नेक नतीजा निकाला होगा। वो धर्मी, ना मालूम मेरा यहाँ से कब निकाला होगा। जी परमेश्वर के वास्ते मेरे हाथ पर परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर कब तक तू अपनी जिद निभाएगी? जब तक जान सीने से ना निकल जाएगी। जिस तरफ तेरा ख्याल है उनके तो फरिश्ते भी यहाँ कदम नहीं रख सकते। यहाँ कदम नहीं रख सकते तो स्वर्ग का रास्ता भी तुम बंद नहीं कर सकते। सीते, मुझे तुम्हारे हाल पर रहम आता है। जरा अपने ज्ञान को अच्छी तरह से सोच और विचार। बजाय मेरे हाल पर रहम करने के बेहतर है कि तू अपनी हालत को सुधार। आखिर तुझे सख्ती से ही काम लेना पड़ेगा। नरमी से तेरा जुनून नहीं निकल पाएगा। तेरी तो ताकत ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे सवाल को नहीं बदल सकते। हुआ हूँ तेरा इससे ज्यादा खुदी को अपने भुला भुला कर। जरा रहम कर ऐ संगे दिल, मार ना मुझको जला जला कर। खड़ी है सामने अजल किराने, शाना तेरा हिला हिला कर। न पाएगा सुख कभी तू हरगिज़ नहायक सता सता कर। नहीं सुनती कि कौन हूँ मैं, डराती है तस पे बाहर आकर। खड़ी है बात सी तुझसे आगे, सरक को अपने छुका छुका कर। अरे ओ जालिम, ना है कितना किसी को नहक सता सता कर। ये से तेरा सब बल निकल जाएगा चरखे चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। ये देख खंजर सबल जा भी, कहूँ मैं तुझको सुना सुना कर। यही दरिंदों को डाल दूंगा बिठा ले अपने भरण खुशी से, जोर अपना लगा लगा कर। और मस्जिद भला तुम किसको डराता है, खंजर अपना दिखा दिखा कर। सीता तू भूल है मगर तुझमें भूल नहीं है। तू विद्यावान है मगर तुझमें इंसानियत की खून नहीं है। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि एक पत्थर काट गया है। हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा ही सही। तेरे जैसे ना पाप दिलों से जिनकी अहमियत का मादा मरा हुआ है, ये पत्थर का टुकड़ा ही बेहतर है उस दिल से जिसकी गहरत का मादा मरा हुआ है। काश तेरे पहलू में भी बजाय इस भ्रष्ट दिल के एक पत्थर का टुकड़ा ही रखा होता। ताकि तू बावजूद विद्वान होने के मूर्ख ना कहलाता। बस बस, अरे बचवा चला अपनी जुबान को संभाल। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक मुंह से कोई लफ्ज ना निकाला। जो कुछ तूने कहा मैंने जहर की घूंट पी लिया, मगर कब तक, आखिर कब तक
नेमत होती है। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होगी, संभल जा मान जा वरना और सारे पर जान होगी। नहीं मालूम कब खत्म तेरी तकरार होगी, अब सुन ले फिर सुन ले मेरी इनकार होगी, इनकार होगी। तेरे जैसी बहुत सी शोक जुमाया है, तेरे कंधों पर तू अकबर होगी। उधर जो राज हट है इधर भी हट है स्त्री का, भला देख कि दोनों में किसकी हार होगी, हार होगी। तू जीत कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, भुजा रावण की तेरे गले का हार होगी। दो ही चीजें लग सकती हैं सीता की गर्दन में, भुजा रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होगी। इसमें ही बड़ाई है, मान ले अभी मेरा कहना, नहीं तो जल्दी रुसवा सरे पर जान होगी। जुलम करता है अगला जानकर, तू जिस कदर मुझ पर दिन में तेरी किस्ती बड़ी मजदार होगी। नहीं मालूम कब तू नींद से बेजान होगी, जब सर पर तेरे आकर कजा सुमार होगी। अरे मौत की अभिलाषी, जरा अपनी जुबान को धर। वो सत्यानाशी वो अपना आखिरी अरमान नहीं निकाल ले। ना मालूम तेरे अंदर क्या बोल रहा है, तेरे अंदर वो बोल रहा है जिसके भय से बार बार तेरा हाथ तलवार खाने से भी डोल रहा है। तैयार हो जा, मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। धर्म है ये बुद्धि निकालना, धर्म है आप ध्यान रखें। मैं इसको समझाऊंगी, कोई राह रास्ते पर लाऊंगी। इरादा तो यही था, इसका नाम तक मिटा दूं, मगर तुम्हारे कहने से इसको दो माह का टाइम और देता हूं। या तो इस अवस्था में यह मेरी बात मानेगी, वरना दो माह में जो कुछ तूने दो माह के बाद करना है वो आज ही कर ले, क्योंकि दो माह के बाद भी मेरी इनकार होगी। मैंने सीता को यूं ही दिलाया था और अपने तलवार का भय दिखाया था, मगर खबरदार शक्ति को काम में मत लाना। महाराज मैं इसे समझाऊंगी, रास्ते पर लाऊंगी। बहुत ही सुंदर सीन तुसी देखिया, कलाकारां लई प्यार भरी ताड़ी मार दिओ जोर दी जरा।